लोकसभा में सोमवार को महंगाई पर चर्चा एक बार फिर से शुरू हुई और कई मसले उठ पड़े। इन मसलों में एक मामला बच्ची के पत्र का उठा। एक बच्ची ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महंगाई की शिकायत की। इस पूरे मामले पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने जोरदार हमला बोला केंद्र की मोदी सरकार पर। एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, अब एक बच्ची भी महंगाई से पीड़ित है। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में बच्ची की चिट्ठी को पढ़कर सुनाया। उत्तर प्रदेश के कन्नौजी के छिबरामऊ की रहने वाली 5 वर्षीय खुशी दुबे की चिट्ठी सोशल मीडिया पर बीते दिनों वायरल हुई थी। सुप्रिया सुले ने इस बच्ची की चिट्ठी सदन में सबको पढ़कर सुनाई और कहा, महंगाई के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। अब एक छोटी सी बच्ची के जीवन को महंगाई प्रभावित कर रही है। अपने भाषण में सुप्रिया सुले ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को याद किया और कहा, सुषमा जी कहा करती थीं, आम आदमी को आंकड़ों की भाषा समझ नहीं आती, वो समझते हैं तो बस ये कि उनकी जेब से कितना पैसा निकल रहा है। सुप्रिया सुले ने इस बच्ची की आवाज को सदन में उठाया और इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा। मोदी सरकार की तरफ से सुप्रिया सुले के सवालों का जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन ने सुप्रिया सुले की तरफ से बच्ची के पेंसिल और रबड़ की महंगाई के मसले पर जवाब दिया और कहा, पेंसिल और रबड़ पर अभी जीएसटी की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान तमाम सदस्यों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जीएसटी काउंसिल के फैसलों को ही लागू किया गया है। बच्ची ने प्रधानमंत्री को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उसे भरोसा था कि वो कार्यवाही करेंगे। एक बच्ची भी पीएम पर भरोसा कर रही है। आपको बता दें, सुप्रिया सुले, ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाया हो। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार की चर्चा करें या महाराष्ट्र में हाल ही में बनी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर सांसद सुप्रिया सुले के तीखे हमले लगातार जारी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।